वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। अभिषेक दुधिया के डायरेक्शन में बन रही वॉर एक्शन फिल्म में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को दिखाया जाएगा। फिल्म में विजय कार्णिक का किरदार अजय देवगन निभा रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि अजय देवगन के फैन इस फिल्म का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आज हम आपको बॉलीवुड की डांस क्वीन नोरा फतेह के बारे में बताने जा रहे हैं। नोरा अब जल्द ही भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में दिखाई देंगी। आज इस फिल्म के सॉन्ग चोली के पीछे के गाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ये सॉन्ग काफी दमदार होने वाला है। और ऐसा माना जा रहा है कि नोरा फिल्म में अपने ऐसे डांसिंग मूव्स का कमाल दिखाते हुए नजर आएंगी, जिससे लोग खलनायक के गाने को भी भूल जाएंगे। वैसे तो नोरा भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में स्पाई हीना रहमान के रोल में एक एजेंट है, जो अपने नाम को छिपाकर इस गाने में नजर आने वाली है। वैसे तो नोरा फतेह ने दिलबर गाने से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। नोरा के धमाकेदार फोटो और डांस के वीडियोस ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। वहीं अब नोरा का एक दिलबर गर्ल अरेबिक गाना वायरल हो रहा है। इस गाने को हिंदी में भी काफी पसंद किया जा रहा है। नोरा ने इस गाने के बारे में कहा है कि वे अरेबिक कल्चर दिखाना चाहती थी, वे कल्चर को प्रोत्साहित करना चाहती है। नोरा ने आगे कहा कि वे इस कल्चर को बॉलीवुड में लाना चाहती थी। नोरा के दिलबर वर्जन फैंस को काफी पसंद आया। एक्ट्रेस का ये गाना 3 साल पहले रिलीज हुआ था। इस गाने के लिरिक्स खलीफा मेनानी और अशरफ आरब ने लिखे हैं। वहीं इस गाने के हिंदी वर्जन ने 96 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि नोरा अब जल्दी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में दिखाई देंगी। भुज फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म इस साल मार्च तक रिलीज कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।